हम बात करते हैं शिवनगरी सोहना की। सोहना को इंडिया की 6 स्टेट से कवर करता है, जिसमें से यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अवस्थी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल एक्यूरेट प्रॉपर्टी टॉक्स पे। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे, जो कि है सोहना मास्टर प्लान के बारे में। आज हम आपसे बात करेंगे सोहना टाउन, सोहना मास्टर प्लान एंड प्रपोज्ड एरिया के बारे में। सोहना क्या है, ओवरऑल एरिया क्या है, क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट हैं एंड क्या प्रपोज डेवलपमेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोहना डेवलपमेंट के बारे में, जो कि सोहना मास्टर प्लान 2031 के लिए प्रपोज्ड है। चलिए हम बात करते हैं शिवनगरी सोहना की। सोहना एक हरियाणा स्टेट का गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है, जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा के अंडर ये मास्टर प्लान 2031 के लिए प्रपोज्ड है। ओवरऑल सोहना की अगर हम बात करते हैं तो सोहना टाउन 45,687 हेक्टेयर की लैंड बैंक में बसा हुआ है, जिसमें से अभी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा के अंडर इसका जो डेवलपमेंट है वो 5,991 हेक्टेयर की लैंड बैंक में डेवलपमेंट है, जिसमें से 391 हेक्टेयर की लैंड बैंक एग्जिस्टिंग विलेज एंड आबादी के लिए रिजर्व है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 2031 मास्टर प्लान की, तो वो 5,600 हेक्टेयर की लैंड बैंक में रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन जोन, पब्लिक यूटिलिटी एरिया एंड ओपन स्पेस को अगर हम मिला लें तो ओवरऑल 5,600 हेक्टेयर की लैंड बैंक की डेवलपमेंट प्रपोज्ड है। सोहना टाउन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो इस डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग टोटल एरिया का 31% एरिया रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए रिजर्व है एंड सेकेंड लार्जेस्ट जो यहाँ का रिजर्व एरिया है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 22% का एरिया, अप्रॉक्स 1200 हेक्टेयर की लैंड बैंक में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी है। यहाँ पे करीब 4.5% का एरिया कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए है, 17% का एरिया ओपन स्पेस के अंदर आता है, जो कि अगर मैं एक डेवलपमेंट प्लान की बात करता हूँ तो ओपन एरिया के लिए बहुत ही बड़ी लैंड बैंक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने रिजर्व कर रखी है। इसके अलावा 11% एरिया ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट के लिए, जो कि सोहना अपने आप में एक ट्रांसपोर्टेशन हब कनेक्टिविटी के लिए फेमस है। अगर मैं सोहना की कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तो सोहना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की जो मेन कनेक्टिविटी है वो इसकी रोड कनेक्टिविटी है, जो कि मेजर सिटीज, स्टेट्स एंड इंडस्ट्रियल एरिया से कनेक्टेड है। जिसमें से अगर हम सबसे मेन कनेक्टिविटी की बात करें तो सबसे मेन कनेक्टिविटी गुड़गांव सोहना एलिवेटेड कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कुंडली मानेसर पलवल हाईवे एंड DFC की कनेक्टिविटी है। अगर हम DMIC की बात करें तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड इसी के पैरेलल DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि एक रेलवे कनेक्टिविटी है, जो कि सोहना की डेवलपमेंट में बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाली है। DMIC की अगर हम बात करें तो DMIC एक अप्रॉक्स 1350 किलोमीटर लंबा ग्रीन जोन एक्सप्रेसवे है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस रोड नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। दूसरा DFC की अगर हम बात करते हैं तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है। DFC बेसिकली इंडिया के 6 स्टेट्स को कवर करता है, जिसमें से सोहना टाउन को कनेक्ट करते हुए ये एक रेल नेटवर्क है, जो कि अप्रॉक्स 50 मीटर वाइड रेलवे नेटवर्क है। इसकी अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो ये 1504 किलोमीटर का टोटल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो कि यूपी के दादरी से स्टार्ट होकर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक कनेक्ट करता है। जिसमें से हरियाणा की अगर मैं बात करता हूँ तो हरियाणा स्टेट के अंदर इस रेलवे कनेक्टिविटी का 177 किलोमीटर का एरिया हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर या हरियाणा स्टेट के अंदर आता है। दूसरा अगर हम DMIC की बात करते हैं तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये एक रोड नेटवर्क है, जो कि हरियाणा को या अगर मैं बात करूं तो सोहना को इंडिया की 6 स्टेट से कवर करता है, जिसमें से यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात एंड महाराष्ट्र को कनेक्ट करता है, जिसमें से अलग अलग फेजेज में इसकी डेवलपमेंट हुई है एंड बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज को ये कनेक्ट करता है। सेम कुंडली मानेसर पलवल हाईवे भी 3 इंडस्ट्रियल एरियाज को कनेक्ट करता है, जिसमें से कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया, मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया एंड पलवल इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करता है, जो कि सोहना से एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनती है। अब हम बात करते हैं सोहना के डेवलपमेंट की, तो सोहना पे जो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है वो अप्रॉक्स 31% है। ओवरऑल की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 1719 हेक्टेयर की लैंड बैंक में इसकी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है, जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट का 31% अप्रॉक्स एरिया बनता है। दूसरा जो इसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 22% का एरिया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया।
वो अप्रॉक्स 1200 हेक्टेयर की लैंड बैंक में डेवलपमेंट हो रही है। अब अगर हम बात करें सोहना की गुड़गांव से कनेक्टिविटी की, तो सोहना और गुड़गांव की जो कनेक्टिविटी है वो एक एलिवेटेड कॉरिडोर गुड़गांव के राजीव चौक से स्टार्ट होकर सोहना को सेक्टर 36 के पास कनेक्ट करते हुए आगे केएमपी की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है, जिसमें से इसी रोड से डीएमआईसी की भी कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम सोहना के पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूटिलिटी एरिया की बात करते हैं, तो सोहना एंटर करते ही सबसे पहले हमारे राइट साइड पे रेजिडेंशियल एरिया आता है। लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो एक मिक्स यूज लैंड में कुछ पोर्शन कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए है। इसके आगे सेक्टर 3 जो कि पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूटिलिटी एरिया के लिए प्रपोज्ड है, जहां पे ऑलरेडी केआर मंगल यूनिवर्सिटी, एसटीजे वर्ल्ड एकेडमी, ये सारा इंस्टीट्यूशनल जोन डिक्लेयर्ड है एंड इन फ्यूचर वहां पे ट्रांसपोर्टेशन डिपो भी प्रपोज्ड है। सोहना की अगर हम मेन रोड्स की कनेक्टिविटीज की बात करते हैं, तो सोहना को एक सबसे पहला तो एलिवेटेड कॉरिडोर की कनेक्टिविटी बनती है, दूसरा सोहना में दोनों तरफ से एक ईस्टर्न पेरीफेरी रोड एंड दूसरा वेस्टर्न पेरीफेरी रोड की कनेक्टिविटी प्रोवाइड होती है, जो कि एलिवेटेड कॉरिडोर से 225 मीटर वाइड रोड से एक तरफ केएमपी को कनेक्ट करता है एंड दूसरी तरफ एग्जिस्टिंग सोहना तारू रोड को कनेक्ट करता है। जिसकी अगर हम इस पेरीफेरल रोड की बात करते हैं, तो ये 75 मीटर रनिंग पैच के साथ में 100 मीटर का ग्रीन बेल्ट आउटर साइड एंड 50 मीटर का इंटरनल साइड ग्रीन बेल्ट के साथ में बननी है। अब हम बात करते हैं सोहना के पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूटिलिटी एरिया के लिए, तो सोहना का जो पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूटिलिटी एरिया है, बेसिकली सेक्टर 3 सेक्टर 31 के पास कुछ लैंड प्रपोज्ड है एंड उसके बाद सेक्टर 7 8 एंड 9 के साथ का जो ईस्टर्न पेरीफेरल रोड के अपोजिट साइड की जो लैंड है, वो सारा का सारा लैंड पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूटिलिटी एरिया के लिए प्रपोज्ड है। अगर मैं सेक्टर 3 की बात करता हूँ, तो सोहना का सेक्टर 3 पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूटिलिटी एरिया के अंदर इंस्टीट्यूशनल जोन के लिए प्रपोज्ड लैंड है, जहाँ पे ऑलरेडी केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, एसटीजे वर्ल्ड एकेडमी ये इस्टेब्लिश्ड है। इसके बाद सेक्टर 3 में ही एक लैंड पैच ट्रांसपोर्टेशन डिपो के लिए, जो कि इंटर स्टेट बस डिपो के लिए प्रपोज्ड है। अब हम बात करते हैं सोहना के ओपन स्पेस की। सोहना डेवलपमेंट के अंदर जो ओपन स्पेस है, वो अप्रॉक्स 17% का एरिया ओपन जोन के अंदर आता है, जिसमें से मैक्सिमम लैंड अरावली रेंज के अंदर, जो कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए काफी अच्छा रोल प्ले करता है सोहना की डेवलपमेंट में। किसी भी एरिया की अगर हम बात करें, तो वहां का पीसफुल एनवायरनमेंट, ओपन जोन, प्लान वे की डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी, पब्लिक यूटिलिटी एरिया, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल डेवलपमेंट ही उस एरिया के एप्रिसिएशन पे मेजर रोल प्ले करती है। ये सारी चीजें अगर मैं बात करता हूँ सोहना की, तो ये सारी चीजें सोहना के डेवलपमेंट के लिए प्रपोज्ड हैं और प्लान्ड वे की डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करने वाली, जहाँ पे जितना भी एरिया प्रपोज्ड होना चाहिए, क्या रेशियो होना चाहिए, उस कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ तो काफी अच्छा रोल प्ले करने वाले। आज मैं आपको गुड़गांव और सोहना के डेवलपमेंट प्लान के एक कंपैरिजन को एक चार्ट पे मैं दिखाता हूँ कि गुड़गांव का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, वहाँ पे कितना इंडस्ट्रियल एरिया, कितना रेजिडेंशियल एरिया, कितना पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूटिलिटी एरिया और कितना ओपन स्पेस या ग्रीन जोन के अंदर एरिया डिक्लेयर्ड है या प्रपोज्ड है। सेम सोहना के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं, तो गुड़गांव से काफ़ी ज़्यादा एरिया एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट प्लान, काफ़ी ज़्यादा एरिया इन सारी चीज़ों के लिए प्रपोज्ड है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा के गुड़गांव मानेसर मास्टर प्लान के अंदर जो कुछ छोटी छोटी कमियां रह गई थी, उनको सही करने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह का मास्टर प्लान डेवलप किया है कि जहाँ पे वो सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में हों, प्रॉपर ओपन एरिया मिले एंड पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जा सकें। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले टाइम पे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो एंड नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।